एक सरकारी ऑफिसर थे जो बहुत ही बड़ी पोजीशन पर थे, रिटायर हुए लेकिन दिमाग से अभी भी उस कुर्सी से रिटायर नहीं हो पाए थे। और इनको अभी भी ये पच नहीं पाया था कि कुर्सी के साथ साथ पावर भी जा चुका है। एक नई सोसाइटी में रहने चले गए और हर शाम को जब वॉक पे निकला करते तब हर किसी को तुच्छ और हीन भावना से देखा करते, जैसे कि तुम हो क्या, और इसीलिए किसी से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान को उन्होंने बैठे हुए देखा। अचानक से मन कर गया तो उनके बाजू में बैठकर बातें करने लगे, और हर बार जब उतरते तब उन्हीं के सामने बैठ जाया करते, हर शाम उन्हीं से बतियाया करते। और हर दिन उनका पॉइंट एक ही होता कि वो किस पोजीशन पे काम किया करते, उनका कितना रुतबा था, कितना पावर था, उन जैसा काम उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं कर पाता था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बुजुर्ग हमेशा उन्हें बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ सुना करते। एक दिन ये इंसान, ये अकड़ू इंसान, अपनी शेखियां बगाड़ते बगाड़ते थका तो सही, तो उसने भी सोचा उस दिन कि इस बुजुर्ग इंसान से भी पूछ लिया जाए, उन्हें भी सुन लिया जाए कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया भी है। जब उन्होंने पूछा तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहने की शुरुआत की कि बरखुरदार, रिटायरमेंट के बाद ना हम सब फ्यूज बल्ब की तरह हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले हम कितनी जगमगाहट या फिर कितनी रोशनी प्रदान किया करते थे, हम सब हैं तो फ्यूज ही। अब देखो ना, 5 साल से मैं यहाँ पर रहता हूँ लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ। वो देखो, वो वर्मा जी जो दिखाई दे रहे हैं, वो रेलवे में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अब इन्होंने किसी को नहीं बताया, सिंह साहब आर्मी में ब्रिगेडियर रह चुके हैं, और वो दिख रहे हैं जोशी साहब, वो इसरो चीफ रह चुके हैं। उन्होंने मुझे नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं वो क्या है कि रिटायरमेंट के बाद हम सब फ्यूज बल्ब्स हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि 0 के 40 के या 100 के जितने भी वोट के थे, अरे चाहे हम हेलोजन लैंप्स या फ्लडलाइट्स हुआ करते, लेकिन एक बार फ्यूज होने के बाद हमसे रोशनी नहीं आती, और यही सच्चाई है। अर्थात वो सुना होगा ना, उगते सूरज और डूबते सूरज को हमारे शास्त्रों के हिसाब से समान सम्मान मिलता है, लेकिन पूजा सिर्फ उगते सूरज की जाती है, डूबते हुए सूरज की नहीं। जितना जल्दी ये समझ जाओगे तुम भी इस सोसाइटी में बहुत शांति से रह पाओगे। अर्थात जितना जल्दी हम समझ जाएंगे, पोस्ट रिटायरमेंट अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, लाइफ विल बिकम इजी। और ये सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट की बात नहीं है, ये हम में से हर किसी के लिए, जिस भी पोस्ट पोजीशन पर इस वक्त है। लॉकडाउन से बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है, बड़े से बड़ा मालिक और बड़े से बड़ा कर्मचारी। जितनी भी बड़ी पोजीशन हो अपने घर में, उसने बर्तन भी मांजे हैं और झाड़ू पोछा भी किया है कि नहीं।